गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे वृंदावन के लिए। हमारा प्लान बन गया था सडनली। हस्बैंड के दोस्त हैं एंड उनकी वाइफ और हम दोनों हैं और उनकी बेटी और हमारी बेटी है, तो हम लोग साथ में हमने सोचा चलो यार घूम के आते हैं। तो सुबह सुबह 4 बजे हम लोग निकले थे एंड ये देखो सूरज देवता उग चुके हैं चलते चलते। और अभी आई थिंक 5:30 या फिर 5 का टाइम हो रहा है और हम लोग मथुरा पहुँचने वाले हैं। रोड एकदम खाली मिला था, एकदम क्लीन। हम लोग टाइम से पहुँच गए थे। एक वो पागल बाबा का मंदिर भी है ना भाई? अरे मौका लगेगा तो घूमेंगे, अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है। मतलब यहीं पे तो यार हम लोग जाने सीधा अभी बांके बिहारी के दर्शन के लिए, क्योंकि प्रेम मंदिर तो हमने लास्ट टाइम एक बार मतलब देख लिया था। हम लोग गए थे, अब आए थे यहाँ पे मथुरा में। बंदर होंगे जो थी वहाँ बिहारी जी के पे। थोड़ा फोन उनका और अपना चश्मा तो नहीं थे? चश्मा फोन और कोई भी ऐसी चीज जो। तो यार अभी बांके बिहारी के द्वार तो नहीं खुले हैं, 7 बजे का अराउंड खुलते हैं। तो तब तक हमने गाड़ी को लगाया पार्किंग में और हम लोग निकल लिए ई रिक्शा से निधिवन के दर्शन के लिए, क्योंकि निधिवन हम सब के लिए एकदम नया है, किसी ने भी नहीं देखा है। और यहाँ पे ई रिक्शा आराम से मिल जाता है आप लोगों को अगर यहाँ पे, क्योंकि हर मंदिर या पास पास में इतने मंदिर हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। तो ई रिक्शा करो और आराम से घूमते रहो पूरे में, यही बेस्ट रहता है। और ये देखो निधिवन आते ही हमें दिख गए तुलसा जी के प्लांट, जिनके बीच में ये मंदिर बना हुआ है। इतने सारे तुलसा जी के, मतलब जंगली तुलसा वैसी होती है ये, वो तो पूरे में फैले हुए हैं। इनकी जड़ें जो है बहुत लंबी लंबी है, बाहर तक निकली हुई थी जड़ें तो इनकी। और ऐसा माना जाता है कि हाँ आज भी राधा कृष्ण जी यहाँ पे रासलीला रचाने के लिए आते हैं रात के टाइम पे, एंड कोई भी यहाँ पे रुकता नहीं है रात के टाइम। सबने ही सुना हुआ है कि अगर किसी ने रुक के देखने की कोशिश भी करी है ना, तो या तो वो इंसान अपना मेंटल स्टेटस खो बैठा है या फिर अंधा हो गया, मतलब अगले दिन किसी को बताने लायक कुछ भी नहीं रहा है। तो ये सब सच्ची घटना यहाँ पे होती रहती है आज भी। और यहाँ काफी लोग ना सिंगार का सामान लेके आते चढ़ाने के लिए, मतलब मंदिर था वहाँ पे चढ़ाते हैं, बट वहाँ पे यार कैमरा अलाउ नहीं था, तो फिर मैंने ना कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई वहाँ पे। तो हम लोग तो खैर लाए नहीं थे सिंगार का सामान, तो हम लोगों ने पैसे वैसे चढ़ा दिए, दक्षिणा चढ़ा दी थी। और ये है वो स्थान जहाँ पे रासलीला रचाते हैं भगवान जी। और ऐसा माना जाता है कि पुजारी जी ना यहाँ पे रात के टाइम पे मतलब सारा कुछ सजा के चले जाते हैं, सिंगार का सामान रख के चले जाते हैं, और सुबह जब वापस आते हैं तो वो यूज़ किया हुआ मिलता है सिंगार का सारा सामान। तो ये सब बातें जो है इस सच्चाई के प्रतीक है कि आज भी जो है राधा कृष्ण की लीलाएं यहाँ पे चलती रहती हैं। एंड उसी में हम लोग भी मस्त होके खूब ने डांस वांस किया थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से। करो 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 भाई, भीड़ देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग बांके बिहारी आ चुके हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बांके बिहारी पे इतनी भीड़ होती है ना, बस पूछो ही मत। वो तो मॉर्निंग के टाइम पर हम लोग आ गए थे तो इसलिए इतनी भीड़ है, वरना इससे भी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे। बट हमें ना दर्शन यार इतने बढ़िया हो गए, देखो आप लोगों को भी हमने दर्शन करा दिए, बोलो श्री राधे। और बस यहाँ पे आते यार इतना मज़ा आता है, मतलब जाने का मन ही नहीं करता यहाँ से वापस, ऐसा लगता है यहीं पर बैठ जाओ। वहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं थी, हम लोग प्रसाद लिया वहाँ से और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे पास में मंदिर था बांके बिहारी के पास ही। तो हमने सोचा चलो यार यहाँ के दर्शन करते हैं, यहाँ पे कीर्तन भजन चल रहा था तो यहाँ पे हम लोग कीर्तन रुके एंड रुके एक आध फोटो वोटो ली, थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आराम से निकले। क्योंकि मथुरा में यार इतने मंदिर है ना, जितने मंदिर घूम लो उतने ही कम है, हर गली में हर मोहल्ले में आपको कोई ना कोई मंदिर मिल ही जाएगा। घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे ना, टाइम निकाल के आराम से तो सारी जगह कवर कर सकते हैं, बट हम लोगों के पास ना एक ही दिन का टाइम था तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी जितना हो पाया उतना कवर कर लिया। उसके बाद यार हमने पिए कुल्लड़ वाली चाय, क्योंकि हम लोग कुछ खा पी के नहीं आए थे। ये हमारा चल रहा है नाश्ता यहाँ पे, ये री बेड में नहीं, ये री बेड में पूरी और ये री कत्ता कचौड़ी, कद्दू की सब्जी जो कि बहुत बढ़िया बनी है ना, अच्छा उनको बहुत पसंद है जो खाते ही नहीं बिल्कुल कद्दू। पहले खा लो फिर गाना चला लो। और फिर यार वहाँ से हम लोग निकले हैं गोवर्धन के लिए। गोवर्धन भी हम लोगों ने देखा नहीं था, तो परिक्रमा तो खैर नहीं कर पाएंगे आज, फिर कभी आएंगे परिक्रमा करेंगे, बट अभी जो है दर्शन करके आते हैं, देख के आते हैं कैसे क्या है गोवर्धन महाराज जी, गिरिराज महाराज जी। ए, फिर बचा ए, ए, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में
उसमें पैर रखता है अक्षय कुमार पे। ए बच्चा ये फिर बच्चा भाई। हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन के लिए, परिक्रमा तो नहीं करेंगे, गोवर्धन घूम के। सर में दर्द कर रहा है, चलो। और अब हम पियेंगे कुछ गन्ने वन्ने का जूस, उसके बाद निकलेंगे। पानी गया, पानी भर रहे थे, पानी चला। हट जाओ ना, किलो हट जाओ। यार यहाँ हम पी रहे गन्ने का जूस, पूड़ी वूड़ी खा के ना एकदम गला बार बार ना प्यास लग रही थी, ऐसा मन कर रहा था बस पीने पीने को मिलता रहे, कुछ खाने को मिले या ना मिले। और बांके बिहारी से यार गोवर्धन पड़ जाएंगे, आपको एक डेढ़ घंटा लग जाता है वहाँ से आने में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिया दूध और पेड़े का प्रसाद, फूल वगैरह मिलते हैं तो वही चढ़ा जाते हैं अंदर। और अंदर वीडियो वगैरह बनाना मना है तो मैंने भी यहाँ तक ले लिया, बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ भी भीड़ हो रही थी तो मैंने फ़ोन फिर बाद में ना रख लिया था। तो यहाँ अंदर जाके चढ़ाया जाता है दूध वगैरह गिरिराज महाराज पे, और जो परिक्रमा करके आते हैं, परिक्रमा करने के बाद फिर यहाँ पे आके चढ़ाते हैं। ये पैसे मांग रही है चढ़ाने के लिए, ये लो ये लो, है तू चढ़ा ले ली, मैंने ले ली। भाई गोवर्धन महाराज के दर्शन हो गए अच्छे अच्छे। इसमें आपका मन डालो कहीं बेटा जी, डाल दो। हमारी जीनी मैडम तो यार हर जगह बस दक्षिणा ही चढ़ा जा रही थी, मतलब जहाँ पे इसको दान पात्र दिख रहा था वहीं पे दक्षिणा चढ़ानी थी, जीनू का ऐसा होता है हिसाब, तो हर जगह चढ़ाई उसने। एंड यहीं पे अंदर गोवर्धन महाराज के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग आ गए थे काफ़ी जगह में, ये भी तो दूर दूर से लोग आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठ बैठ जाते हैं, मतलब रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा। एंड यार यहाँ पे पानी इतना ठंडा पानी आ रहा था ना, मतलब पी के ही मज़ा ही आ गया था, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा, मतलब कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा कूल पानी था तो मज़ा आ गया था उसको पीने के बाद। और फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुके, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो ली यहाँ पे, एंड उसके बाद फिर हम लोग बाहर की साइड में निकल लिए। और मैंने आपको आते टाइम तो दर्शन करा नहीं पाए थे, बहुत भीड़ हो रही थी, तो यहीं से हम लोग आए थे और यहीं से जा रहे हैं वापस। चप्पल अप्पल सब यहीं पे उतार देते हैं, तो हमने दुकान के नीचे ही वो भैया से बोल दिया था तो वहीं उतार दिए नीचे की साइड में। एंड यही है वो रास्ता है जहाँ से परिक्रमा जो है स्टार्ट होती है, जिन लोगों को परिक्रमा करनी होती है ना यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा होता है 11 किलोमीटर एंड शायद पता नहीं इससे आगे भी होती है क्या होती है, इसके बारे में पता नहीं मुझे इतना, तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है और बहुत लंबी होती है। खैर कुछ लोग यहाँ पे ई रिक्शा से करते हैं परिक्रमा, ई रिक्शा मिल जाते हैं, ऑटो से करते हैं, कुछ गाड़ी से करते हैं, जैसे जिन पे हो पाती है श्रद्धा जिनकी, कुछ लोग पैदल पैदल चल के करते हैं। तो यहाँ पे जीनी मैडम को चाहिए थी कैंडी तो इन बच्चों को दिलाई कैंडी, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने पार्क लगा दी थी पहले ही, तो यहाँ से जाएंगे गाड़ी की और फिर गाड़ी में बैठ के और भाई फिर निकलेंगे भैया के गांव, मतलब साथ में जो भैया हैं इनका गांव यहीं पे है, तो वहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे एंड पेड़े वगैरह लेने हैं हमें घर के लिए, प्रसाद लेना है तो वो यहीं पे अच्छा मिलता भैया बता रहे थे, तो वहीं से वो लेके आएंगे। तब तक हम लोग जो है वो घर पे आराम करेंगे, इनका जो गाँव वाला घर है ना भैया का, तो वहाँ देखो गोवर्धन की परिक्रमा करके आ रहे हो यहाँ। देखो यार बच्चों की हालत हो रखी है ख़राब क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी ना, बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, तो वो छवि की हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। जीनी मैडम तो अभी एक्टिव है, खैर अभी उसमें जान है। जीनी को एक बार यार वॉमिटिंग भी हो गई थी थोड़ी सी जाते टाइम, बट ये है कि ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी हुई थी, मुझे लगा था कि ऐसा ना हो ज़्यादा हो, बट ऐसा हुआ नहीं, थोड़ी सी हुई थी। और ये आ गया यार उनका भैया का गाँव वाला घर, तो वो भी देखूँगी मैं, हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही देखेंगे। Thank you.
ये देखो बच्चा पार्टी मिल गई तारीख का, ये नंगू बुबू है। क्या खेल लो आप लोग, घर घर खेल लो। मुझे देखा। तो यार हम लोग यहाँ पे रुके हुए रेस्ट कर रहे हैं अभी, ममता के ससुराल में आए हुए अभी। हाँ। और ये लोग गए अभी ससुराल के, ससुराल गाँव के, गाँव का घर। और ये लोग गए हुए अभी पेड़ लेने के लिए, तो पेड़े लेके आते हैं बढ़िया से पैक करा के, उसके बाद से हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे दीदी के यहाँ। तो ममता की ननद है वो भी यहीं रहती है, उनके यहाँ जाएंगे मथुरा, मथुरा है ना। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे, देखते हैं क्या प्रोग्राम क्या प्लान बनता है, फिर उसके बाद निकलेंगे। चिंता है घर। तो आज पूरा दिन बुक हो रखा है, घूमना घूमना घूमना, कल हम रोड रोवर बन गए, कल नींद पूरी करेंगे घर पर, कल देखते हैं पूरा रेस्ट कर। बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा ना एकदम अच्छा लग रहा है, पानी बढ़िया लगा। एक्चुअली ये मेरा मम्मी का ससुराल है, मम्मी का, मेरी सास का ससुराल, मेरी सास का ससुराल, पर यहाँ पे कोई है नहीं अभी, बस अब कोई नहीं रहता है, सब दिल्ली से निकल गए। दिल्ली तो जीनू को बड़ा मजा आ रहा है, जीनू को बड़ा अच्छा लग रहा है। आप इधर आके बताओ ब्लॉग में, ये किसका घर है अभी, बताओ किसका घर है, मेरे दादू का घर है, दादू की फोटो दादू बीच वाले अंकल, अंकल का शौक बहुत है फोटो का। चले आ गए पेड़े, चले चलो करो दोबारा बाय। ओए ओए रुक जा बेटा रुक जा, लला ने बाय नहीं करी, लला करो बाय। अभी सोच रहा है वो क्या रहे, चलो 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 मेरी चप्पल लेके आई बेटा, आप क्या करोगे बैठो, हाँ बैठो, चलो जिन्हू बाय कर लो सब, चलो चलो बेटा आ जाओ, चलो चलो पूरा तो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग आ गए थे दीदी के यहाँ पे, मतलब जो भैया हैं ना इनकी बड़ी बहन यहीं पे रहती हैं, तो उनके यहाँ भैया थोड़ी देर रुकेंगे एंड उसके बाद हम लोग देखो कहाँ के लिए निकलेंगे। आप लोग ऐसे ही देखते रहना क्योंकि अभी कंटिन्यू है ब्लॉग, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कल अपलोड कर दूँगी मैं उसे भी जहाँ तक हो सका पॉसिबल। एंड आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाय।